अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आपको सारे सवाल समझ आएंगे होंगे। 12.3 हमने की थी और उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल वो आप तरीके से किया। फिर भी अगर आपको इस सवाल में कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में बताया करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ जिसमें आप जो है ना वो वीडियोज़ जो है ना पिछले प्रीवियस देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें तरतीब वाइज आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 7, चैप्टर नंबर 12 का, और एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं 12.4, ठीक है। और होप सो कि इसमें ये कवर हो जाएगी। टोटल 5 क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मेरी क्वेश्चन को 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैं लाजमी करवा दूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 से करने से पहले एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ साइनस कहते हैं। लॉ ऑफ साइनस ये होता है आपके पास ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से चीज़ें जो है वो आपने कवर करनी है, ठीक है। ये एक बहुत आसान सा फार्मूला है, इनमें आप दोनों वैल्यूज को किसी दो वैल्यूज को आपस में इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सॉल्व द ट्रायंगल। काम क्या करना है आपने, सॉल्व द ट्रायंगल्स, ठीक है। और उसमें कंडीशन ट्रायंगल सॉल्व करने इसमें आपके 3 साइडें आपने पूरी करनी है और आपने 3 एंगल्स पूरे करने हैं, ठीक है जी। पार्ट 1 में कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री, और बी दे दिया है जी आपको अंडर रूट 6 दे दिया हुआ है, ठीक है जी। तो जो मर्जी दे दे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एंगल पूरे कर लेता हूँ कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आपको यहाँ पर क्या नहीं पता, अल्फा नहीं पता, ऐसे ही है। तो वो आ जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। तो ये आ गया जी 180 माइनस बीटा, बीटा की जगह क्या आ गया जी 60 डिग्री, माइनस गैमा की जगह क्या आ गया जी 15 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपके पास अल्फा बन जाएगा 105 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्या आ गया जी, आपका अल्फा आ गया। चलें नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम करते हैं जी साइड्स के लिए। साइड्स में आपको बी साइड दी हुई है, ए नहीं पता, आपके पास अननोन में यहाँ बोल देता हूँ, ए भी अननोन है और सी भी क्या है जी अननोन है। तो सबसे पहले हम ए साइड के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है ए ओवर साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया जी बी ओवर साइन बीटा। तो इस फार्मूले में आपने क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ये बी ओवर साइन बीटा इधर रहने दें, ये साइन अल्फा डिवाइड होते जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, तो ए निकालना, बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास अंडर रूट 6 है, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है जी, साइन बीटा एंगल यानी के बीटा क्या था आपका 60 डिग्री, और इस तरह साइन अल्फा, अल्फा आपका क्या आ जाएगा जी 105 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, अंडर रूट को सॉल्व करते हैं और इन वैल्यूज का जवाब निकालते हैं, ठीक है जी। तो अंडर रूट 6 को आप कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट 6 लिख लें, आप उसकी वैल्यू लेना चाहें तो आप वो वैल्यू भी मिलती है जी 2.4494 मल्टीप्लाई बाय साइन 105। तो ये होती है जी 0.9659 डिवाइड बाय में क्या पड़ा हुआ है जी आपके पास साइन 60 पड़ा हुआ है। साइन 60 स्टूडेंट्स क्या होता है जी, साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है, यानी कि 0.8660। तो अब क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे वैल्यू से क्या करना है आपने, डिवाइड करना है। तो आपके पास आंसर आएगा ए का, ए इज इक्वल टू 2.73।
ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें आपस में और टीचर वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी ए साइड आ जाएगी। कितने सिंपल तरीके से आपने ये साइड निकाल दी, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे करना है आपको सी साइड निकालनी है। तो सी साइड निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ठीक है, देखते हैं जरा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से सी साइड निकालना चाहते हैं हम, तो सी साइड निकालने के लिए आप यूज करेंगे सी ओवर साइन, यानी कि यूं कर लेते हैं हम कर लेते हैं जी सी ओवर साइन गैमा और बी ओवर साइन बीटा। आप अल्फा के बराबर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इतराज नहीं है आपको, जो आपको इजी लगता है आप जो आप जिस करने से चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई मस्ती वाली बात नहीं है। यानी कि आप सी ओवर साइन गैमा को ए ओवर साइन अल्फा के इक्वल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने सी निकालना, तो बी मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा डिवाइड बाय साइन बीटा। तो स्टूडेंट बी आपके पास क्या था, अंडर रूट सिक्स था, साइन गैमा। अब गैमा क्या है आपके पास, गैमा स्टूडेंट हमारे पास है जी 15 डिग्री और साइन बीटा आपके पास क्या है जी, बीटा आपके पास हमारे पास था 60 डिग्री, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा इसको क्या करेंगे, तो सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या थी जी 2.4494 मल्टीप्लाई बाय, यहां से आपके पास साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी 0.2588 डिवाइड बाय, नीचे आपके पास साइन 60 0.8660। आपने बेटा ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज निकाल के आपने इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर नीचे वाली वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप के पास आंसर आ जाएगा 0.73। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर इस वैल्यू के साथ क्या कर ले आप डिवाइड कर ले, इन दो को पहले डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, जो कर ले कोई इशू नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ए साइड भी आ गई और आपके पास क्या आ गई, सी साइड भी आ गई, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है आपके पास बाकी वैल्यूज भी आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रायंगल क्या होगी जी, सॉल्व होगी। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप जो है ना इन वैल्यूज को थोड़ा सा मतलब एक और लिखना वाइब में लिखना चाहते हैं, जैसे बैक पे लिखा हुआ है उसने ए की वैल्यू लिखी हुई है, हमारे पास 2.73 आया था ना, 2.73 को हम लिख सकते हैं 1.73 प्लस 1, और 1.73 क्या होता है, रेडिकल 3 होता है, ठीक है, और ये 1 पैसे वैसे। इसी तरह आपके पास सी साइड आई है जी 0.73, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1.73 माइनस 1, तो ये 1.73 क्या होता है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है और यहाँ पे क्या आगे माइनस 1, तो आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, 1, 3 और 5 कर लेते हैं, इवन वाले वो आप जरा खुद ट्राई कर लीजिएगा। सॉल्व ट्रायंगल, ट्रायंगल सॉल्व करनी है, अगेन काम वही है, ट्रायंगल एबीसी सॉल्व करनी है, ठीक है। और आपको अब क्या दिया, उसने बी साइड दे दी हुई है 125, अगेन बी दे दी, ठीक है। और चलें आगे कोई एक और वैल्यू डिफरेंट वाली भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, इसी तरह एडजस्ट करते हैं। और गैमा दे दिया हुआ है 53 डिग्री और अल्फा दे दिया हुआ जी 47 डिग्री। अब अगेन यहाँ पे बीटा नहीं दिया हो, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आपके पास अब आपने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने बीटा निकालना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा 180 माइनस गैमा माइनस अल्फा, 180 माइनस गैमा की जगह 53 डिग्री, अल्फा की जगह 47 डिग्री, तो ये बीटा आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा आपके पास क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब आपको क्या चाहिए, साइड्स चाहिए, साइड्स में कौन कौन सी अननोन है जी, आपकी ए साइड अननोन है और आपकी सी साइड क्या है वो अननोन है। तो ए साइड के लिए ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन
बीटा बहुत आसान से सवाल है, तो बी आपने निकालना है, ए निकालना है, तो बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा ओवर साइन बीटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा ए, बी की वैल्यू अब क्या है आपके पास 125 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, अल्फा आपके पास क्या है जी 47 डिग्री, और साइन बीटा, और साइन बीटा आपके पास है जी 80 डिग्री, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं आप, ये आ गया जी 125 मल्टीप्लाई बाय 0.7313 आएगा इसका जवाब, डिवाइड बाय साइन 80 का जवाब 0.9848 आएगा, ठीक है जी। तो इनको आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वाली वैल्यूज को, फिर नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर लें, या इन दोनों को पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें, जो मर्जी कर लें, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92.81, ये आपके पास क्या आ गई आपकी ए साइड आ गई, ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गई जी ए साइड आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अब क्या चाहिए, सी साइड चाहिए, ठीक है, बी तो दी हुई है, तो उसके लिए आप यूज कर लेते हैं ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन के, मैं यहाँ पे वहां पे बी के साइड से, मैं यहाँ पे इसके लिए आसे चेंज करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको मतलब आप किसी तरह से भी कर लें आपके पास आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो साइन गामा डिवाइड होने जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए ओवर साइन अल्फा, यहाँ पे क्या रहेगा इक्वल टू सी, आप उस तरफ लिख लें या आप इस तरफ लिख लें, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा, तो नीचे कर लेते हैं, सी निकालना है आपने साइन गैमा, साइन गैमा की वैल्यू क्या है जी, गैमा आपके पास है जी 53 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास क्या है जी, अभी हमने निकाला 92.81, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 93 भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, और साइन अल्फा, अल्फा आपके पास क्या है जी 47 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं डिफरेंट वैल्यूज के जरिए इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके, आप किसी भी वैल्यू के जरिए आप इसको निकाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। साइन 53 का जवाब क्या था जी 0.7986 मल्टीप्लाई बाय 92.81 डिवाइड बाय साइन 47, और साइन 47 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, साइन 47 तो ये आ गया जी 0.7313। ऊपर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और फिर नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास सी आपका आएगा 101.4, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 101 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया आपकी सी साइड आ गई, ठीक है। देखिए बहुत इजी मेथड से ये क्या हो जाते हैं, सवाल सॉल्व होते हैं, बस एक ही फार्मूला लग रहा है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा के इक्वल जो होता है, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5, अगेन ट्राइंगल को सॉल्व करना है, और आपके पास क्या दिया हुआ, ए साइड दे दी हुई जी 53 और बीटा दे दिया हुआ है जी 88 डिग्री और 36 मिनट, और गैमा दे दिया हुआ है आपके पास 31 डिग्री और 54 मिनट। इन सवालों की पहचान याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस फार्मूले के लेके, कि इसमें आपको दो एंगल दिए होंगे और एक साइड दी होगी, दो एंगल और एक साइड दी हुई है, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं, और यहाँ से आपके पास अब आपने क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, क्योंकि अल्फा साइड ने एंगल में दिया हो, 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, तो 180 माइनस बीटा 88 डिग्री 36 मिनट। अब आपको डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से इसको लिख सकते हैं, तो आपके पास आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये ना कीजिएगा कि अब वो इसको जी 36 मिनट माइनस गैमा जी 31 डिग्री 54 मिनट, तो यहाँ पे पास आपके पास अल्फा आएगा जी 59 डिग्री और 30 मिनट। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, आपका अल्फा आ गया, ठीक है जी।
अब क्या करते हैं, आपको बी साइड निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, आप सी के लिहाज से भी निकाल सकते थे, आप इसके लिहाज से भी निकाल सकते हैं, जिसको आपको इजी लगे आप उस तरह कर लें। तो ये आ गया ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा ओवर साइन अल्फा, दिस विल इक्वल टू बी। तो मैं इसको बी को इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आसान रहे। और ए की वैल्यू क्या है जी, 53 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, साइन वैसे आ गया और बीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 88 डिग्री 36 मिनट। डीएमएस बटन दबाना है, ठीक है, याद रखिएगा, साइन ओवर साइन अल्फा, अल्फा आपका आपके पास क्या है जी, 59 डिग्री एंड 30 मिनट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यूज बनेंगी, मैं आपको बता देता हूँ, निकाल लेते हैं, या चले हम इसको कि साइन बीटा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ये तो 53 वैसे रह गया, और साइन बीटा की वैल्यू है जी 0.997, ये आपके पास बनेगी, डिवाइड बाय नीचे आपके पास के 59 डिग्री 30 मिनट साइन है, ये तो ये आ गया जी 0.8620। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 61.5। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपकी बी साइड आ गई। अब आपको स्टूडेंट्स क्या चाहिए, इसमें सी साइड चाहिए, तो सी साइड के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, सी साइड के लिए हम यूज कर लेते हैं ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा, यानी कि आपके पास जो मर्जी आ जाए आपने इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये आएगा ए मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा ओवर साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो सी इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, 53 थी, ऐसे ही है ना, हाँ 53 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, और साइन गैमा क्या आपके पास है जी 31 डिग्री 54 मिनट, 31 डिग्री एंड 54 मिनट, डिवाइड बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास जी, जो आपने निकाली थी ये सामने लिखी हुई है, 59 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये आ गया स्टूडेंट 53 मल्टीप्लाई बाय साइन 31 डिग्री और 54 मिनट का जवाब आता है आपके पास 0.5284 ओवर 0.8620। तो इनको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें और स्टूडेंट आपके पास रिजल्ट आएगा 32.5, और ये आपके पास क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान से सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में 100 इनके एक आधा पार्ट आ जाता है, तो इस वजह से आप इनको ज़रा देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और स्पेशली 4 आपने खुद ट्राई करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो पार्ट भी करवा दूंगा। और वीडियोस को पूरा देखा करें, समझा करें, दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।